मांगे पूरी हो पर कौन सी मांगे हैं तुम्हारी? कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानती हूँ कि मैंने इनको कुछ ज़्यादा ही ढील दे हेलो दी जी थी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे आशा करती हूँ यही। और बच्चों के स्कूल हैं जो ओपन हो गए हैं। थोड़ा सा आया पर गंदा आया है ना, मिट्टी से निकल रही है सारी। इसको पी और आधे का तो से पीला आ रहा था, इससे भी ज्यादा गंदा पीला हटा हो गंदा आया था अच्छा। भाई अब काम करिए, देखा अब आ रहा है, देख सही पानी अब आ रहा है, अब आ रहा है नेचुरल पानी। पी ले, पिए गुड। कहाँ चला गए? मैं तो खाली तो ना यही दो रहने, यही दो रहने। ओ, इसको पार करने के बाद आया पानी, ठीक है ना। यहाँ पे बना रही हैं ये प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनको दिया गया क्या चीज दी थी? फिल्टर पानी, मतलब पानी का फिल्टर जिसमें होता है, वो करने के लिए इनको दिया गया था। और ये तब से धमा चौकड़ी इसने मचा रखी है, कभी कोई सामान खरीद के ला रहा है, कभी कोई सामान खरीद के लेके आ रहा है, और जैसे सारा इसने फैलावड़ा फैला रखा है यहाँ पर। और बस जय इसका वाटर क्या कहते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। हो गया, हो गया। तो अभी और कितना टाइम लगेगा इसको करने में? अभी तो ये इसको बिल्कुल ये प्लेन करेगा जैसे दिखा रहे थे ऐसे, बिल्कुल साफ। ये देखो पानी दिखा रही है, एक सेकंड मुझे ये जलाना पड़ेगा। ये देखो बिल्कुल साफ आ रहा पानी, सच में बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। देखो मैंने भाई तो इसको पिया भी था। पिया था तूने? क्यों आप पी के बता। ये निकल रहा है पानी, पिया पिया अच्छा आ रहा है जैसे हम पीते ना चले। ये देखो क्या कच्चे में से पानी। आप पता है इन्होंने मेरा दिमाग खा रखा था कि मम्मी कैसे करे कैसे करे। और अपने आप से जब करते हैं ना तो उसका हमें पता रहता है कि क्या चीज हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अब इसने अपने हाथ से किया है ना, तो इसे पता है कि ये चीजें ऐसे है। अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत हेल्प करती तो फिर इसको वो नॉलेज नहीं आती जो इसने अपने आप से करने से आई है। तो ये है जो इसने इन्होंने किया था, ये सारे डस्ट है उसका, और इसकी वजह से जो पानी है वो अच्छे से प्योर हुआ है ना। चलो दिमाग खराब कर रखा है इन दोनों ने मेरा। बढ़िया, मैं यहाँ से कुछ नहीं समेटूंगी, सारा समेट के क्लीन करके चाहिए मुझे। मैं भी नहीं करूंगी, मैं अंदर जा। वो तो अंदर चली गई, अब मुझे नहीं पता ये सारा जो फैलावड़ा जितना भी फैलाया गया है। तो वहाँ पर बच्चे अपना प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट कर रहे थे, मैंने लंच की तैयारी कर दी है। लंच में बनाए हैं काले चने और चावल और आलू के पराठे। आलू के पराठे के साथ साथ चपाती भी बनाई थी। आलू के पराठे ज़्यादा नहीं बनाए थे, 4-5 पराठे बनाए थे बस, और चपाती भी बनाई थी। और ये देखिए काफ़ी पतली लेयर मैंने आटे की मैं लेती हूँ, जो कि आपने मुझसे पूछा था, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया। और इसीलिए मैंने 2-3 आलू के ही पराठे बनाए, क्योंकि मुझसे पूछा गया था दी आप आलू के पराठे बनाते हैं तो उसकी लेयर कितनी मोटी लेते हैं। मैं बहुत छोटी सी लोई लेती हूँ, उसी में ही भरता अच्छे से भर गड़गड़ा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी हो। कौन सी मांगे हैं तुम्हारी? नया बैग की। जब तक वो चल रहा है उसको चलाना चाहिए। नहीं नहीं रिपेयर मत करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे रिपेयर मत करो, इनकी मांगे पूरी करो। मैं तो गलती से ना इनको प्रॉमिस कर देती हूँ और फंस जाती हूँ, और मैं इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाती हूँ। और इसके इनके पापा ना इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आते हैं, और मुझे बोलते हैं कि तू भी इनकी बातों में मत आया कर, पर मैं क्या करूं, इन दोनों की शक्ल देख के ना मुझे दया आ जाती है। चुप, मेरे ससुर जी का नाम है वो, तो मुझे ना इनके ऊपर थोड़ी सी रहम आ जाता है। और बताइए मेरे से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये लीड मुझे बताओ कि ये खराब है या नहीं, अगर ये खराब है तो फिर मैं इसका मतलब करता हूँ ऑपरेशन पर ऑपरेशन। खराब चाहिए इधर कोई लीड, क्या करना है? हेयर ड्रायर बनाया है साथ, कुछ बातें हैं वो भी शेयर कर लेते हैं।
ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर है कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एक शेयर्ड वीडियो के साथ ही आप लोगों के साथ शेयर हो बात। कुछ अपनी अपने कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें होती हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि आज जुलाई है और इस बच्चों के स्कूल हैं जो ओपन हो चुके हैं। काफ़ी सारी जगह तो मैंने देखा था 15 से 20 तारीख को ही ओपन हो गए थे जून में, बट हमारे यहाँ 1 जुलाई से स्कूल ओपन हो गए हैं। और देखो बच्चों का कैसा रहता है ये साल और किस तरीके से इनकी पढ़ाई है जो चलती है। बस अब इनकी पढ़ाई में कोई गैप ना आए, यही प्रार्थना है ऊपर वाले से, नहीं तो 2 साल तो कोविड ऐसा खा के गया है पढ़ाई, जिसकी वजह से इनकी जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब हुई है। और दूसरी चीज़ें वो हैं कि काफ़ी कुछ होता है, देखिए फीस तो कहीं नहीं टूटी है ना, बस ये है थोड़ा सा टाइम मिल गया है कि अभी देना है, अभी करना है, या कुछ टाइम बात कर देना, ऐसे कर देना, ये सब तो हुआ है, पर टूटी कहीं नहीं है कि ऐसा हो गया हो कि भाई नहीं माफ़ हो गई है या फिर आप अभी मत कीजिए। प्राइवेट स्कूलों में तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, पर जितनी भी है जो भी है वो तो करनी पड़ेगी। और अब बच्चों का थोड़ा सा जो वर्क है वो भी थोड़ा हैवी हो गया है, क्योंकि बेटे की जो पढ़ाई की क्लास है वो बड़ी क्लास में आने के बाद थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। तो अब मुझे ये सब देखना है, इनको ट्यूशन भी लगाना है, तो उसके लिए आप सबको मुझे हेल्प करनी होगी। हेल्प क्या करनी होगी मैं आपको बताती हूँ। आपको सिर्फ मेरी इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को ही नहीं, जितनी भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं उनको शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली में, अपने जो लोग ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं सिर्फ आप उन्हीं के साथ शेयर कीजिए। ऐसा ना हो कि जो लोग वीडियो देखना ही नहीं चाहते आप उनके साथ शेयर करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है ना, फिर क्या फ़ायदा ऐसी वीडियोस का जब वो देखना, जब उनको इस तरीके के व्लॉग्स पसंद नहीं आते। और मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग जो कर देखते हैं वो ज़्यादातर हाउसवाइफ ही देखती हैं, उनको ही मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। तो बस यही है कि आप मेरी हर वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, और क्या बोलूँ बहुत कुछ बोल दिया। और हाँ, जो सब्सक्राइबर के बगल में बेल आइकन होता है ना, उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसमें 3 बेल आइकन आते हैं, तो जो बिल्कुल ब्लैक वाला बेल आइकन हो जाता है ना, उसको आपको क्लिक करना है, जो पहले नंबर पे होता है। ये 3 है तो आपको पहले नंबर वाला क्लिक करना है, उससे ये होगा मेरी कोई भी वीडियो आएगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो कितनी अच्छी बात हुई ना, तो आज सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ को देख पाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। तो आपको यही करना है, और बस थोड़ी सी यही मुझे थोड़ी सी टेंशन लग रही थी कि अब आगे से मतलब थोड़ा सा बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है मुझे। अब इनकी पढ़ाई में मैं डिले नहीं कर सकती हूँ, जो टाइम 2 साल जैसे निकले हैं निकल गए हैं, पर अब मुझे इनको ट्यूशन में भी भेजना है, स्कूल भी, और हो सका तो अब इन्हें मैं घर में भी लेके बैठूंगी, क्योंकि मैं ही स्ट्रिक होंगी ना तभी ये अंदर से स्ट्रिक होगा मेरा बेटा, वरना तो इसको बिल्कुल भी इतना नहीं है। बस ये चल रहा है जो चल रहा है, इसको कोई रुचि नहीं है कि हाँ आगे करना है, नहीं बस ये कहते थे मैं हो जाऊँगा ना, मैं कर लूँगा ना। अरे करने में और इन सब चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है, और आगे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी ज़िम्मेदार मानती हूँ कि मैंने इनको कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी थी, और अब वो ढील इनको मैं नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि दोनों यहीं बैठे हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो ये बातें इनके सामने ही मैं कह देती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, आप झूठ समझेंगे तो देखो, एक तो ये बैठी और वो बैठा मेरा बबुआ, तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आपको पता ही होगा। बेशक मैं कम बोलूँगी, पर झूठ मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि झूठ ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकता, मेरा ये मानना है। जो बोलती हूँ स्पष्ट बोलती हूँ, और इसीलिए शायद आप मुझे भीड़ में देखते नहीं हो, अकेला देखना देखते हो आप मुझे, और यही कारण है कि क्योंकि मैं पता है क्या सोचती हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर कुछ हो रहा है
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर कल वाली वीडियो उसके ऊपर कमेंट आया था, आई अग्री, तो मेरी एक सिस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे समझती भी हैं, जो मेरी बहनें मेरी इस वीडियोस को देखती हैं और फिर मुझे मोटिवेट करती हैं, और एक दो बंदे का एक बंदे का 3-4 बार कमेंट आया था, बकवास वीडियो बनाती हो, इस तरीके की वीडियोस मत बनाओ। तो मुझे उस कमेंट को देख के दुख हुआ, पर उसके बाद जब मैंने उसमें नीचे रिप्लाई देखा ना, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो मेरे लिए भी किसी ने स्टंट लिया, मेरे लिए भी कोई खड़ा था, मेरे लिए भी किसी ने वहाँ पर जवाब दिया। तो थैंक यू बहन कि आपने मेरे लिए उस कमेंट उस बंदे को जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं देती तो फिर वो अलग ही लैंग्वेज हो जाती। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, और बस आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, यही कहूँगी। आप सबकी बदौलत ही आपकी तरुणा है, और यहाँ तक का जो सफ़र है कैसे तय हुआ है वो मैं ही जानती हूँ, पर अब जब यहाँ आ गई हूँ तो अब अगर मैं यहाँ से जाती भी हूँ तो भी वो जो छाप है वो मेरे पर रहेगी, वो कभी नहीं हटने वाली है कि मैं YouTube चलाती हूँ, मैं YouTube पे वीडियोस बनाती हूँ। तो जब वो छाप है मेरे लिए तो फिर मैं उससे बैक क्यों हूँ, मैं पीछे क्यों जाऊँ। है तो है, मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया, किसी के घर जाकर कुछ ऐसा काम तो नहीं किया, अपने घर में हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, अपने रूम में हूँ, और जो कुछ है सब मेरे बच्चों को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है। और फिर पता नहीं क्यों कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, तो भाई जिनको लगती है उनका इलाज तो मेरे पास नहीं है, पर इतना कहूँगी थोड़ी सी मिर्ची कम खाया करो जिससे कि कम लगे और आपका जो पाचन तंत्र है वो ख़राब ना हो। तो बस यही कहना चाहूँगी, और तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपको। तो चलो आज का व्लॉग इतना ही था, और इस व्लॉग में अपनी बातें ही मैंने शेयर की हैं, कितनी पसंद आई कितनी पसंद नहीं आई, पर मेरे मन में आया तो आपके साथ शेयर कर दिया अपनी ये सब बातें हैं। क्योंकि जब मैं अकेली बैठी होती हूँ, क्योंकि आज मैंने पूरे दो घंटे मैंने अकेले बैठ के काटे हैं, हस्बैंड बच्चे सब सो गए थे, बस मुझे ही नींद नहीं आ रही थी, दोपहर की बात कर रही हूँ मैं, और मैं 2 घंटे तक बाहर बालकनी में बैठी रही, ना बोला किसी से ना बात की, बस 2 घंटे मैं क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, उस आसमान को देखती रही, उस टाइम में मैं बहुत कुछ मतलब सोच रही थी। और अब पहले तो पता नहीं क्या क्या माइंड में चलता था, अब तो मैं सोच रही थी अपना आगे का भविष्य, अपने यूट्यूब को, और आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो वो सिर्फ आपकी बदौलत है, और जल्द ही जल्द हम 20,000 की 30,000 की ऐसे ही अपनी जो फैमिली है वो कंप्लीट करेंगे, अगर आपका साथ रहा तो, और आपकी तरुणा को ही आपको आगे लेके जाना है। बस बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक बना दिया, वरना मेरा एक सपना था कि 10,000 की जब मेरी सब फैमिली बनेगी तो मैं कुछ अच्छा करूँगी, बट अभी किसी कारणवश मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, पर जल्द ही करेंगे जब कुछ मेरे हाथ में होगा। अभी तो आप सबको पता है स्कूल ओपन होंगे तो बच्चों के स्कूल में ही इतना कुछ मतलब लगने वाला है, घर का खर्चा है, सब चीज़ें मतलब सोचनी पड़ती हैं, तो इसीलिए अभी तो मुमकिन नहीं है, पर जब होगा जब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको तो आपके बदौलत ही सब कुछ है, तो बस अपनी तरुणा का यूं ही ख्याल रखिएगा और यूं ही साथ सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलो मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ, एंड बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा।